दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 8 अक्टूबर जुम्मा यानी फ्राइडे का दिन है। आए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। कल देर रात तूफ़ानी बारिश के चलते उस्मान सागर और हिमायत सागर के 4 गेट्स खोल दिए गए थे। आज हफ्ते की सुबह HMWSSB की जानिब से जो भी नशेबी इलाके में रह रहे हैं उन्हें अलर्ट रहने की गुजारिश की गई है। इस दौरान दोबारा जानलेवा हादसा पेश आया जहां एक शख्स एक्टिवा के साथ नाले में बारिश के दौरान पानी के बहाव में बह गए थे। उन्हें फौरन रेस्क्यू किया गया और बचा लिया गया। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में तालाब और नालों से पानी उबल आए और सैलाब जैसे नज़ारे हुए। इस दौरान दिलशुक नगर में सुबह के वक्त बाइक्स गाड़ियां रुके हुए पानी में तैरते हुए नजर आए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा हैदराबाद के पुराने शहर को दूसरा इस्तांबुल की शक्ल दी जाएगी। बातचीत के दौरान जब सवाल किए गए पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से तो तेलंगाना CM KCR ने कहा कि सब्र करें, हैदराबाद को इस्तांबुल की शक्ल में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा जल्दी तामीराती काम का आगाज किया जाएगा हैदराबाद ओल्ड सिटी में। साथ ही उन्होंने कहा करीम नगर को दलास जैसी शक्ल में बनाने वक्त लगेगा लेकिन हैदराबाद इस्तांबुल में तब्दील किया जाएगा। तेलंगाना CM KCR ये बयान तब दिए जब वो पल्ले प्रगति और पटाना प्रगति के मुतालिक बात कर रहे थे। मुंबई कोर्ट ने आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं अरबाज मर्चन और मुनमुन दामिचा ये लोग पानी के जहाज में जब्त हुए ड्रग केस में शामिल है और इल्ज़ाम है इन पर ड्रग केस के ताल्लुक से। इन लोगों के लिए बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है मुंबई कोर्ट की जानिब से। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RM निलेकर ने इन बेल की अर्जी को देख कर खारिज कर दिया यानी रिजेक्ट कर दिया। ASJ अनिल सिंह जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से थे वो बेल देने के खिलाफ थे क्योंकि तहकीकात में रुकावट आ सकती है इसीलिए। परसोनी NCB कस्टडी जज की जानिब से रिजेक्ट की गई थी जिसके बाद उन्हें रिमांड में भेजा गया ज्यूडिशियल कस्टडी में। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स जो कैंसिल कर दिए गए थे COVID-19 दूसरी लहर के चलते अब 25 अक्टूबर को मुनक़िद हो सकते हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस ताल्लुक से इंतजामात करना शुरू कर दिए। ये एग्जाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुनक़िद किए जाएंगे तमाम COVID-19 प्रोटोकॉल्स के मद्देनज़र। इस साल सिर्फ 70% सिलेबस होगा, कुल 274 एग्जाम सेंटर होंगे और 59,000 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखेंगे। एग्जाम के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक एग्जाम्स मुनक़िद किए जाएंगे लेकिन इस दरमियान हुजूराबाद बाईपोल इलेक्शन मुनक़िद किए जा रहे हैं इसीलिए जिस दिन बाईपोल इलेक्शन है 30 अक्टूबर को 29 और 30 अक्टूबर होने वाले इलेक्शन की तारीख बदल कर 31 संडे अक्टूबर और 1 नवंबर मंडे को मुनक़िद किया जाएगा एग्जामिनेशन। एंटी करप्शन ब्यूरो की जाल में फंसे परिगी सब इंस्पेक्टर पुलिस पाटिल क्रांति कुमार। तफसलात के मुताबिक पाटिल क्रांति कुमार जो सब इंस्पेक्टर है परिगी पुलिस स्टेशन के विहाराबाद डिस्ट्रिक्ट में उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया होटल स्वागत में 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। केस रजिस्टर करवाने के लिए पाटिल ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी परसुराम रेड्डी से जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वत की रकम उनके पास से जब्त कर ली गई है, उन्हें अदालत की तहवील में भेज दिया गया। शहर हैदराबाद में तेज पानी के सबब सैलाब जैसे मंजर देखने मिल रहे हैं। CM KCR ने आज ही हैदराबाद को इस्तांबुल बनाएंगे कहा, तो इस पर आपकी क्या राय है? शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहारी पाए, सी फूड मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल मुगलाई तंदूरी चाइनीज चिकन बिरयानी ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक आसिफ नगर।